एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स का पार्ट टू। सॉरी, थोड़ा वीडियो लोड करने में मुझे लेट हो गया कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स में हम पहला स्ट्रीकिंग वाला पार्ट देख चुके थे, आज हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्ट्रीकिंग के बाद अगर हमें आइसोलेट करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से, तो दूसरा मेथड होता है प्लेटिंग का। इस प्लेटिंग को हम स्प्रेड प्लेट टेक्निक्स भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमारे पास, मान लीजिए कोई ये कल्चर है, इस फ्लास्क में लिक्विड कल्चर है, उसमें कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ है मान लीजिए, और एक हमारे पास अगार कंटेनिंग प्लेट है जिसमें हमें इसको स्प्रेड करना है। तो स्प्रेड करने के लिए एक इस तरह का स्प्रेडर होता है, इस तरह से बना होता है स्प्रेडर, ठीक है, ये ग्लास का होता है। इसको हम इस कल्चर में डिप कर सकते हैं या इसमें डिप नहीं करेंगे, पहले हम इस कल्चर, अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड कल्चर है तो उसको डाइल्यूट करेंगे किसी एक वायल में। इसमें हमारा मीडिया होगा केवल, उसमें बैक्टीरिया नहीं होगा, केवल मीडिया होगा। मान लीजिए कि इसको हम डाइल्यूट करने के लिए 100 माइक्रोलीटर निकाला, इसमें डाल दिया, कोई ज़रूरी नहीं है 100 माइक्रोलीटर ही निकाले। हम कल्चर की ग्रोथ की कंडीशन के बेसिस पे ही अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने 100 माइक्रोलीटर फ्रेश मीडिया में ट्रांसफ़र किया और इसमें मीडिया का हमारा अमाउंट 900 माइक्रोलीटर पहले से था, तो हमारा कितना हो गया, 1 ml, ठीक। तो इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद अगर फिर भी डायल्यूट नहीं होता है तो फर्दर फिर हम 900 माइक्रोलीटर वाले मीडिया में अब इस वाले में से ट्रांसफ़र करेंगे 100 माइक्रोलीटर, फिर वो और डायल्यूट हो जाएगा। अब उसके बाद इस वाले में अगर डायल्यूट हो गया सफिशियंट अमाउंट में, तो उसमें से हम थोड़ा सा अमाउंट निकालें कि मान लीजिए कि हम निकालते हैं 50 माइक्रोलीटर और इसको पाइपेट से ही इस पर फैला देते हैं लिक्विड को। अब प्लेट में हमने पाइपेट से लिक्विड को फैला दिया, लेकिन उसको पूरा इवनली स्प्रेड करने के लिए स्प्रेडर की सहायता से पूरा हम स्प्रेड कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके स्प्रेड कर देते हैं इक्वली। प्लेट को हिलाते हैं, फिर स्प्रेड करते हैं, फिर प्लेट को हिलाते हैं, फिर स्प्रेड करते हैं, ऐसे हमारा पूरा कल्चर इवनली स्प्रेड हो जाता है। और डायल्यूट होने के कारण जब हम इस प्लेट को फर्दर इंक्यूबेट करते हैं तो नेक्स्ट डे हमें अलग अलग कॉलोनीज देखने को मिलती हैं। इसको भी जब आप लोग करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, मेथड मैंने थोड़ा सा बता दिया है, इसको पढ़ लीजिए एक बार। द स्प्रेड प्लेट टेक्निक इन्वॉल्व्स यूजिंग अ स्टरलाइज्ड स्प्रेडर विद अ स्मूथ सरफेस मेड ऑफ मेटल और ग्लास। हम लोग अधिकतर ग्लास का ही स्प्रेडर यूज़ करते हैं। टू अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया सस्पेंडेड इन अ सॉल्यूशन ओवर अ प्लेट, ठीक है। द प्लेट नीड्स टू बी ड्राई एट रूम टेम्परेचर सो दैट दी अगार कैन एब्जॉर्ब द बैक्टीरिया मोर रेडली। जो हम अगार की प्लेट यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से ड्राई होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि अभी जस्ट हमने अगार को मीडिया को प्लेट पे पोर ही की है, तुरंत उसी समय हमने कल्चर डाल दिया तो क्या होगा, अगार अगर जमा नहीं होगा तो सब उसी में फैल जाएगा, ठीक से जमा नहीं होगा तो जेली जैसा सब सिकुड़ सिकुड़ के अजीब सा हो जाएगा। तो अच्छे से पहले हमें उसको क्या होने देना चाहिए, सॉलिडिफाई होने देना चाहिए। प्लेट अच्छे से जब जम जाए, मीडिया अच्छे से जम जाए, तब हम उस पर स्प्रेड करेंगे ताकि क्या कर सके, जो प्लेट में अगार है वो बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अ सक्सेसफुल स्प्रेड प्लेट विल हैव काउंटेबल नंबर ऑफ आइसोलेटेड बैक्टीरियल कॉलोनीज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ प्लेट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सक्सेसफुल स्प्रेड प्लेट टेक्निक में क्या होगा, अगर हमारी प्लेट में कॉलोनीज इस तरह से अलग अलग आती हैं, दिखाई पड़ती हैं अलग अलग कॉलोनीज। अब एक ऐसा हमने प्लेट कर दिया कि पूरा एकदम कल्चर कल्चर दिख रहा है, कॉलोनी कोई दिख ही नहीं रही है एकदम, जैसा बहुत ज़्यादा अगर हम अमाउंट में प्लेट कर देंगे तो कॉलोनी सेपरेट नहीं होंगी, पूरा कल्चर का एक लॉन जैसा बन जाएगा। तो हमें वो लॉन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कॉलोनी सेपरेट चाहिए, इसलिए डाइल्यूट करना कल्चर को ज़रूरी है, यही बहुत अच्छा स्प्रेड प्लेट माना जाता है। उसके बाद इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ सेल्स इन द ट्यूब फ्रॉम विच द सैम्पल वॉज प्लेटेड। अब हमने आपको बताया कि हम स्टार्टिंग में एक फ्लास्क से लेके चले थे, उसको हमने 10 times डायल्यूट किया या 1000 times डायल्यूट किया, जितने भी टाइम डायल्यूट किया उसके बाद फिर फर्दर डायल्यूट किया, उसके उस वाले में से हम इसको प्लेट कर रहे थे। तो प्लेट में जितने बैक्टीरिया आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ओरिजिनल वाले में कितना कंसंट्रेशन बैक्टीरिया का था, उसको मल्टीप्लाई करके डाइल्यूशन फैक्टर के साथ हम निकाल सकते हैं कि ओरिजिनल कंसंट्रेशन जहाँ से हमने उठाया था वहाँ पे कितनी रही होगी बैक्टीरिया की, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में सिंपल हम डाइल्यूट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। वो देखते हैं इसमें क्या है। दिस मेथड इज़ यूज फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी इजिली आइसोलेटेड बाई स्ट्रीकिंग और प्लेटिंग मैथड। समटाइम्स वेन सेवरल ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर विद वन ऑर्गेनिज्म प्रीडोमिनेटिंग, द प्रीडोमिनेटिंग फ्रॉम मे बी फॉर्म मे बी आइसोलेटेड बाई दिस मैथड।
ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसा सैंपल है जिसमें एक तरह की बैक्टीरिया ज़्यादा अमाउंट में है और दूसरे अलग टाइप की बैक्टीरिया कम कम अमाउंट में है, तो जो ज़्यादा टाइप की बैक्टीरिया हैं हम उसको सिंपल डाइल्यूशन फैक्टर, सिंपल डाइल्यूशन करके ही अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सॉइल में कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो और सारे बैक्टीरिया थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम उसको सॉइल सैंपल को क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, उसको बस को डायल्यूट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो क्या होगा, ये जो थोड़े अमाउंट में थे वो डायल्यूशन में एक तरह से कम होते होते ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था बैक्टीरिया वो डायल्यूट होते होते उसका दो एक कॉलोनी तो लास्ट में आएगी ही आएगी, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो तो आएगा ही आएगा, जो कम अमाउंट प्रेजेंट है वो डायल्यूशन में ख़त्म होता चला जाएगा। तो इस तरह से डायल्यूशन के द्वारा भी हम क्या करते हैं, प्योर कल्चर ऑप्टेन कर सकते हैं, कब, जब हमें पता हो कि एक सैंपल में एक तरह की बैक्टीरिया ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और दूसरे टाइप की बैक्टीरिया कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस तरह से हम डायल्यूशन यूज़ करते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा इनरिचमेंट। इनरिचमेंट क्या होता है, इनरिचमेंट कल्चर इज़ बेसिकली एन आइसोलेशन टेक्निक डिजाइन टू मेक कंडीशंस ऑफ ग्रोथ वेरी फेवरेबल फॉर एन ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट वाइल हैविंग एन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर एनी कॉम्पिटिशन। दिस इनरिचमेंट इज जनरली डन बाई इंट्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स और इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट ओनली अलाउज द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट, देयरफॉर दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सिलेक्टिवली कल्चरिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म। अब इनरिचमेंट में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्योर कल्चर के लिए तैयार हम नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि हमें पता है कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम प्योर कल्चर नहीं ऑप्टेन कर सकते हैं, काफ़ी कोशिश की हम हार के नहीं कर पा रहे हैं हम, तो हम क्या करते हैं, अगर मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या दो तीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपस में मिक्स्ड हैं, ऐसा हमारे पास कोई सैंपल है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हमें जो जिस बैक्टीरिया की ग्रोथ या जिस बैक्टीरिया का भी हमें कल्चर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होगा, हम उसी की फेवरेबल कंडीशन उसको देते जाएंगे, तो उसकी जब फेवरेबल कंडीशन देते जाएंगे तो जो बाकी के बैक्टीरिया हैं उनकी पॉपुलेशन अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि उनके लिए तो हम कुछ दे नहीं रहे स्पेसिफिक, और जिसे हमें ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करना है उसके लिए हम न्यूट्रिएंट्स भी दे रहे हैं उसको, उस मान लीजिए कि वो एरोबिक बैक्टीरिया है तो ऑक्सीजन का अमाउंट उसको दे रहे हैं, या एनारोबिक है तो उसको ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, इस तरह से करके हम जो डिज़ायर्ड बैक्टीरिया होते हैं उसको ग्रो कराते हैं, बाकी बैक्टीरिया की संख्या उसमें कम रहती है, लेकिन इससे प्योर कल्चर ऑप्टेन नहीं किया जा सकता, इनरिचमेंट का एक ड्रॉबैक है, ठीक है, तो ये हमारा इनरिचमेंट मेथड हो गया। उसके बाद सिंगल सेल टेक्निक। सिंगल सेल टेक्निक एक बहुत ही एडवांस मेथड है जिसमें हम एक सिंगल सेल को ऑप्टेन कर सकते हैं। सिंगल सेल को ऑप्टेन करने के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स आजकल ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं उसमें फ्लो साइटोमेट्री और माइक्रोफ्लूडिक्स, ये दो टेक्निक मेन हैं, जिसमें से फ्लो साइटोमेट्री तो आप लोग पढ़ोगे आगे भी जाके टेक्निक्स में, और माइक्रोफ्लूडिक्स भी आप लोग को थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। एग्जैक्ट टेक्निक मैंने माइक्रोफ्लूडिक्स तो मैंने भी यूज़ नहीं किया है, लेकिन फ्लो साइटोमेट्री तो मैंने देखा है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आपको अपने जो एक फर्दर क्लास लेके टेक्निक्स से रिलेटेड, ठीक है, फ्लो साइटोमेट्री और माइक्रोफ्लूडिक्स में अभी बता दे रही हूँ क्या होता है। देखिए सिंगल सेल टेक्निक में क्या होता है, हमें सिंगल सेल आइसोलेट करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ही कम वॉल्यूम किसी सैंपल का चाहिए होगा, हम माइक्रोफ्लूडिक्स की बात करें अगर तो बहुत ही कम, माइक्रो लीटर से भी कम रेंज में, माइक्रो लीटर से पिको लीटर की रेंज में अगर हम कोई कल्चर लेते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही कम होंगे, हो सकता है एक सिंगल ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट हो, तो माइक्रो से पिको लीटर कल्चर को अगर हम एक इसमें सिस्टम होता है माइक्रोफ्लूडिक्स में उसमें रखते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हमने उसमें 10 नैनो लीटर कल्चर रख दिया या 1 नैनो लीटर कल्चर रख दिया या 1 पिको लीटर कल्चर रख दिया किसी तरह से, वो ड्रॉप हमें दिखेगी भी नहीं, इतना कम अमाउंट होगा वो, ठीक है, उसके बाद उसको थोड़ा डाइल्यूट कर दिया, कुछ उसमें फ्लूड डाल के उसको डाइल्यूट कर दिया, उसके बाद एक चैम्बर से उसको पास कराया जाता है, उस चैम्बर से वो जो सेल की डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसके बेसिस पे वो सेपरेट होता है, फिर उसकी जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है उसके बेसिस पे उसको सेपरेट कराया जाता है और उसको आइसोलेट कर लिया जाता है वो, ठीक है, वो किसी सरफेस पे जाके अटैच हो जाते हैं एट लास्ट, जहाँ से हम उसको उसका मॉर्फोलॉजी डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, एक सिंगल सेल सेपरेट हो जाता है, सिंगल सेल ही तो मान लीजिए 2 सेल होंगी या 2-3 सेल होंगी तो आपस में सेपरेट हो जाती है, इससे ज़्यादा सेल रहती ही नहीं है, क्योंकि हम इतना कम अमाउंट ऑफ कल्चर ले रहे हैं कि उसमें उससे ज़्यादा सेल्स रह ही नहीं सकती हैं, तो इस तरह से माइक्रोफ्लूडिक्स मेथड का यूज़ किया जाता है। फ्लो साइटोमेट्री आप लोग आगे पढ़ोगे, इसमें हम फ्लोरोसेंट प्रोब का यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया को टारगेट करने के लिए, फ्लोरोसेंट प्रोब हम डिज़ाइन करते हैं एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, तो हमारे क्या होते हैं, जिस जो हमें बैक्टीरिया चाहिए होते हैं वो फ्लोरोसेंस जनरेट करने लगते हैं, उनको अलग कर लिया जाता है और फिर उनकी स्टडी की जाती है, फ्लो साइटोमेट्री इस तरह की टेक्निक है।
ठीक है। इसके अलावा माइक्रो मैनिपुलेशन, कंपार्टमेंटलाइजेशन, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें लिखा हुआ है, आप लोग भी लिख लीजिएगा एग्जाम में। फ्लो साइटोमेट्री और माइक्रोफ्लूडिक्स बहुत ही एडवांस टेक्निक है, इसीलिए हमने इसके बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। इससे हम सिंगल सेल ऑप्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए हमने आपका आइसोलेशन मेथड सारे खत्म कर दिए, कितने मेथड होते हैं आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स के और आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, इसमें इतना ही है, ठीक है। तो अब आगे के लेक्चर्स हम आगे का हम देखेंगे, आगे का पार्ट इसमें कि कल क्या पढ़ना है उसको हम कल पढ़ेंगे। आइसोलेशन में आप लोग इतना लिख लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा, जो ना समझ में आए वो पूछ भी लीजिएगा, ठीक है। जो इसमें जितना भी पार्ट आपको ना समझ में आए हो, प्लेटिंग कैसे होती है, डाइल्यूशन एनरिचमेंट या सिंगल सेल टेक्निक, सिंगल सेल टेक्निक तो मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया किस तरह से होता है ये, ठीक है। तो इसमें जो भी ना समझ में आए हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।